हेलो दोस्तों, टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास करके जिसने नई नई यूट्यूब चैनल पर आने के लिए सोच रहा हो या फिर नई नई यूट्यूब के अंदर आ चुका हो, तो आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मेरा वीडियोज़ का जो टाइटल है और जो थंबनेल है, वो टाइटल और थंबनेल देख कर आपको जरूर पता ही चल गया कि आज की इस वीडियोज पर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियोज पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह आपका एक कैमरे के सामने एक अच्छे से बोलना है। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को ज़्यादातर हेल्पफुल होने वाला है जिसने नई न्यू यूट्यूब पर आ चुका हो या फिर यूट्यूब चैनल के अंदर नई न्यू आने के लिए सोच रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना क्या होगा, वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखना होगा और वीडियो को कहाँ पर भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसमें चले वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उसमें चले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आपका जो कैमरा के अंदर जो बात बोलते हैं, जो कि वीडियोस बनाने के टाइम, तो वहाँ पर आपको किस तरह बोलना चाहिए एंड किस तरह बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे जो यूट्यूबर है, तो इस यूट्यूबर्स को मैंने देखा हूँ, उसने जब न्यू न्यू आता है यूट्यूब पर या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब बहुत दिन यूट्यूब के अंदर काम करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता है किस तरह प्रॉपरली एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियोस बनानी है एंड कैमरे के सामने अच्छे से बोलना है। तो वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जब आपका कैमरे के सामने जो फेस कैम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कहाँ पर देख के वीडियोस बनाना है। तो मेन पॉइंट सबसे ये है कि आप जैसे ही आपको कैमरे के सामने वीडियोज़ बनाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या गलती करता है, तो गलती ये करता है कि जब आपका वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पर उसका जो आई का जो कॉन्टैक्ट होता है, मतलब जो जहाँ पर देख के वीडियोस बनाता है वो होता है उनका डिस्प्ले के अंदर, ठीक है। लेकिन वो आपका गलत है। तो गलती आपको ये है कि आप जैसे वीडियोज़ बनाते हैं तो वहाँ पर आपको कभी भी डिस्प्ले के अंदर देख के वीडियोस नहीं बनाने हैं। डिस्प्ले के अंदर आपका मोबाइल का, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर आपका कैमरा हो, तो वहाँ पर आपका जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले के अंदर देख के आपको वीडियोस बनाओगे, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, कोई भी आपका ऑडियंस, कोई भी आपका व्यक्ति आपका वीडियोस जब देखने के लिए आएगा, उन लोगों को क्या लगेगा कि उनके तरफ देख के नहीं वीडियोस बना रहा हो, ठीक है। जैसे आपका वीडियोस का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है, अभी मैं मोबाइल के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं जो बात कर रहा हूँ वो डायरेक्टली मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर जो लेंस है, लेंस के तरफ मैं डायरेक्टली देख के वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका, मतलब आपका मेन फॉल्ट है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये गलती करता है। तो आपको जब यूट्यूब के अंदर मतलब आपका जब वीडियोस बनाने के लिए आओगे यूट्यूब के लिए, तो वहाँ पर आपको कभी भी डिस्प्ले के अंदर देख के वीडियोस नहीं बनानी है। आपको डायरेक्टली आपका चाहे मोबाइल हो या फिर आपका कैमरा हो, तो उसके अंदर जो लेंस है उस लेंस के अंदर देख के डायरेक्टली वीडियोस बनानी है। मेरे तरह यहाँ पर देखो, मैं डायरेक्टली मेरे फ़ोन के अंदर जो लेंस है उस लेंस को देख के बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को लगेगा कि मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं डिस्प्ले के अंदर देख के आप लोगों के साथ, मतलब आप लोगों को कुछ आपका जो फॉल्ट होता है, जो गलती करते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, मेरा जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले को देख के मैं डायरेक्टली वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मेरे वीडियोस का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब लग गया है। तो अभी मुझे मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं वीडियोस एडिट करने लेके जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे डायरेक्टली देखने मिल जाएगा कि मेरे जो वीडियोस का जो क्वालिटी है और मैं जो डिस्प्ले के अंदर देख के वीडियोस बना रहा हूँ वो पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो, मैं अभी डिस्प्ले के अंदर देख के वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर देखो, मैं मेरा जो मोबाइल का जो कैमरा का जो लेंस है, तो उसके तरफ मैं उनके तरफ, मतलब उस लेंस की तरफ देख के बात करता हूँ, तो वो कैसा लग गया। तो आप यहाँ पर देखो, मेरा जो मोबाइल का जो लेंस है उस लेंस की तरफ डायरेक्टली देख के मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, काफ़ी मेरे जो वीडियोस का जो क्वालिटी है वो कैसा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है ना। तो ये आपका गलती करते हो, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। ये ज़्यादातर गलती करता है जिसने न्यू न्यू यूट्यूब पर आता है, तो उन लोगों को बहुत, मतलब उन लोगों ने बहुत गलती करता है। तो ये गलती आप लोगों को, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। तो इसलिए ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सिर्फ आपका डायरेक्टली आपका चाहे फ़ोन हो या फिर आपका कैमरा हो, तो उनके अंदर जो भी लेंस है उस लेंस की तरफ देख के आपको वीडियोस बनाना चाहिए। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया कि किस तरह आपको कैमरे के सामने अच्छे से बोलना है एंड किस किसके तरफ आपको देख के वीडियोस बनाना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी आपका सवाल है या फिर कोई भी आपका डाउट है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना कर दे दूँगा मेरे चैनल के अंदर, ठीक है। तो फटाफट जाओ और कमेंट करो जो भी आपका डाउट है।
और वीडियोस का लास्ट के अंदर एक बात मैं आप लोग बताऊंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स चले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।